आज की हमारी इस क्लासेस में हम बातचीत करने जा रहे हैं डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन हम पहली क्लास हमने तो बस ये दिया था, दूसरी क्लास में हम डेटा सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, मतलब कि हम डेटा सिलेक्शन ही क्यों, इससे ही अपनी कोर्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक्सेल के अंदर में आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं एनीथिंग, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है सिलेक्शन की। अगर हम सिलेक्शन ना करें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें डेटा कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एनीथिंग कुछ भी करना है, आपको पिवट लगानी है या कुछ भी करना है, तो हमें क्या करना होता है सिलेक्शन। अगर हमने सिलेक्शन नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या सर? तो सिलेक्शन के कुछ ट्रिक्स है जो कि आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डेटा को सिलेक्ट करना होगा तो कैसे करें? जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, मुझे अगर इस डेटा को सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे करें? डेटा दिख नहीं रहा है, डेटा नहीं दिख रहा है डेटा आपको एक्सेल का? एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? नहीं सर। हाँ अभी, हाँ अभी आया। जो सामने डेटा दिख रहा है मुझे, इस डेटा को क्या करना है सिलेक्ट करना। तो जनरली हम लोग माउस से सिलेक्शन करते हैं ना, जनरली हम माउस से सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन अगर माउस से आप सिलेक्शन कर रहे हो तो क्या करें हम? वाला यहां पे ऊपर में क्लिक करें, शिफ्ट के साथ लास्ट में क्लिक करें। ठीक है, ऊपर में क्लिक करें यहां पे, या नीचे में क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करें। राइट सर? राइट राइट। क्वेश्चन होता है इस तरह की चीजें क्यों बता रहा हूं, तो इस तरह की चीजें अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है कि आपके साथ काम थोड़ा जल्दी होता है, कोई भी चीजों को आप और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहां पे, और दूसरा अगर कीबोर्ड सिलेक्शन करते हैं, जल्दी आप लोग कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए यस जो सर। होता है वो होता है यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल, यहाँ पे होता है करेंट रीजन। क्या होता है? करेंट रीजन। ठीक ठीक है। है, इस करेंट रीजन के अंदर में हम ओके करेंट सिलेक्शन होता है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई रो पूरी तरह से ब्लैंक है तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है सर? ओके, फिर इसके ऊपर ही सिलेक्शन हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा होता है, राइट, और जी डेटा के अंदर में कई सारे हमारे पास ये होते हैं, मान लीजिए 50,000 का डेटा है आपके पास। अब 50,000 के डेटा में आपका जो है का 48,000 पे क्या है कि एक ब्लैंक स्पेस, ध्यान नहीं दिया आपने उस पर, पिवट लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, तो क्या होगा आपका जो 2,000 का डेटा है वो तो वर्क करेगा ही नहीं, तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम होती है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि यहां पे आपका ब्लैंक रो है, पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप कर्सर स्टार्टिंग में रखें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, डाउन एरो इस तरह से प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये चल पता चल जाएगा। साथ में कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन 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 करेंगे, डेटा भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप अपने कीबोर्ड का एंड की, END होगा एंड, बिल्कुल एंड से पूरा चलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा एंड से पूरा नहीं होता है, एंड से क्या सिलेक्शन होती है, यूज सेल।
यहाँ पर देख रहे हैं इसे फालतू सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि ये सब यूज किए हुए हैं। अगर यूज नहीं है तो आपका देखिए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा तरीका है कि लास्ट में कर्सर रखें, कंट्रोल शिफ्ट होम कर दें, तो आपका यूज जो होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आप बहुत सारे शॉर्टकट बता रहे हो, क्या मैं इसको लिख लूं? देखिए लिखने से नहीं होगा, लिखने से नहीं, नहीं।, नहीं। ये चीजें तो आप सब जो बता रहे हो आप फिर भी सही कह रहे हो, आप मुझे बेसिक से ही समझाओ, बट इसके आप जो समझा रहे हो आ रही है, मतलब ये डेली यूज में ऐसे ही कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही हटा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज और आती है कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स के लिस्ट दिए हैं, आप इसको ये फाइल में भेज दूंगा, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे बाकी शॉर्टकट लिस्ट चाहिए तो क्या होगा? एक्चुअली सर मैं तो शॉर्टकट्स कुछ यूज करना हो तो एल्ट दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दिखा देता है ना ऑप्शंस पे, हाईलाइट करता हाँ वो है। तो ऑप्शंस हुआ, लेकिन एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है हमारे पास। शॉर्टकट लिस्ट आपको चाहिए, जैसे लिस्ट आया ना, ऐसे लिस्ट आपको निकालना हो तो ऊपर सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार में आप शॉर्टकट सर्च करें, यहाँ दिख गया आपको कीबोर्ड शॉर्टकट, क्लिक कीजिए सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। ओ सॉरी यहाँ पे दिक्कत है, आ जाएगी आप ये 365, या फिर आप कीबोर्ड का F1 प्रेस करें, क्या यूज करें? F1 तो आ जाए। कुछ प्रॉब्लम है इस हेल्प में, ठीक है ना, इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ये चल रहा है ना टीम्स, इसलिए इंटरनेट ले लिया है, ब्लॉक कर दिया, ठीक है समझे? ठीक है सर, ऑफिस 16 यूज कर रहा हूँ, आप 365 कर रहे हो, ठीक है समझ। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन यूज करें, क्या यूज करें? कंट्रोल बटन, आप जहां क्लिक करोगे मल्टीपल सिलेक्शन होगा, लेकिन ध्यान रखिए नहीं कर पाइए, क्या नहीं कर पाइएगा? कॉपी नहीं कर पाइए, क्योंकि अगर आप कॉपी करना है आपको तो क्या करना होगा, सिक्वेंसली सिलेक्ट करना होगा कुछ इस तरह से, देन आप कॉपी कर पाइएगा, समझे? ओके, मतलब अगर हम कंट्रोल के साथ में चीजों को सिलेक्ट करते हैं तो हमको कॉपी नहीं कर पाए, कॉपी करने के लिए सिक्वेंसली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा एक्सेल वुड नॉट ऑन मल्टीपल सेक्शंस खोल के बैठा हूँ। हाँ देखिए इसी चीज, आप देखिए ये चीज नहीं पता थी आपको, इसलिए मैं सारा बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि कोई चीज अगर ना पता हो तो आपको पता चल जाए क्या। तो शुरुआत में तो कुछ चीज आपको पहले से पता होगा, अब कुछ चीजें जो नहीं पता है इसके लिए मैंने पूरा करा, राइट? नहीं आप पूरा ही बताइए। अब यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा कि हम मल्टीपल सिलेक्शन अलग अलग करें, सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, बट ये पेस्ट सिक्वेंसली होगा, ठीक है, पेस्ट क्या होगा? सिक्वेंसली होगा। अब ये चीज हम एक सीट पे भी कर सकते हैं, कई सारे शीट यहां पे मैं इंसर्ट कर, और मैं क्या चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो सारे शीट पे हो, जैसे मान लीजिए सारे शीट पे मुझे डेट डाल, क्या करना है? डेट डाल, तो अब एक पर डाल के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि पहले वाले शीट को से क्लिक करो, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की होल्ड करो और सबसे लास्ट वाले कीबोर्ड सीट पे क्लिक करो, सारी अब जो भी करेंगे सब पे होगा, जैसे कि मैंने
यहाँ डेट डाला, टाइप किया, जो भी टाइप करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, वो सब पे होगा। ठीक है, एक सेकंड सर, सर समझा नहीं मैं आपकी बात को। जैसे हमने, मैं भी नई सीट कर लेता हूँ, उसमें सिंपल सी बात, चार सिंपल सी बात मैं यहां समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि मुझे कई सारे सीट पे एक साथ काम करना है, तो क्या करते हैं हम स्टार्टिंग में वाले सीट पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, सबसे लास्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, है और सर, फिर यहां पे जो भी लिखेंगे, जैसे यहां पे टाइम लिखा, तो जो भी एक्शन करेंगे वो सारे शीट पे एक्शन होगा। ठीक है, एंटर करते ही हो जाएगा सर। हाँ, एंटर मारते ही। ठीक है, ये हम कैश कब मिल जाता है हमारे प्रैक्टिकली सर, मान लो। इसका प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे मान हम लोग रिपोर्ट जब भी बनाते हैं तो क्या लगता है, एक ही सीट का रिपोर्ट होता है, अलग अलग पे होता है, उसमें कुछ डालना हो या तो नहीं उसमें कुछ उसका भी डेट, होता जैसे है। रिपोर्ट का डेट हो गया, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं ना, सब में डालने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लो कुछ भी यार छोटी चीज होती है जो यूनिक होती है, या कुछ भी मान लो कि जो ठीक है, जैसे सिग्नेचर ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें ठीक, सर जैसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे वो भी सब में हो जाएगी। जी, बिल्कुल। कॉपी होगा नहीं, पेस्ट, कॉपी नहीं, पेस्ट। ठीक है, अच्छा, नहीं जैसे मैंने सेलेक्ट करके और कहीं दूसरी एक्सेल फाइल से कोई चीज मान लो मैं हाँ उसे सब हाँ सब तो पेस्ट और होगा पेस्ट कर। ठीक जी। है सर, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मुझे सारे सीट पे नहीं करने, कुछ सिलेक्टेड सीट है, जैसे 10 में से 7 है, 3 है, 2 है, सिलेक्टेड सीट है, तब क्या करें, तो हम पहले वाली सीट पे कॉपी करें, ऐसे कर्सर रखें। ठीक है, या जो भी जिस जिस सीट पे क्लिक करना है उस पे एक सी ए पे करें, और फिर कंट्रोल को होल्ड करें ठीक है, ठीक और क्लिक करें। कंट्रोल होल्ड करके जहां जहां क्लिक करेंगे क्या होगा, अब हम कुछ भी टाइप करेंगे ना, हाँ, वो सब पे होगा, सब पे नहीं होगा, जो सिलेक्ट जिसमें जिसमें सिलेक्ट किया है, रिएक्टिवेट दिखाया आपको, सिर्फ उसी पे होगा। हो अंडरस्टूड समझ। समझ गए? तो यहां देखिए, ये यूनिवर्सल है, एक चीज जान लीजिए यूनिवर्सल है, हर जगह पे सेम यूज होता है। अगर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं तो सिलेक्शन विद कंटिन्यूस हो, चाहे फाइल हो, ठीक सेल है, ठीक हो, या एनीथिंग। ठीक है, है सर, ठीक है, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ करते हैं तो जहां जहां क्लिक करेंगे वही होगा, ठीक। ये इन्वर्सल। सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं टाइप, डेटा टाइप, टाइपिंग के बारे में। अब एक चीज और इन्वर्सल जान लीजिए, कि अगर मैं कुछ टाइपिंग करता हूं, जैसे मैंने यहां पे नाम लिखा, 500 लिखा और एंटर प्रेस किया, तो क्या होगा, ए आपका राइट में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, लेकिन जब पूजा यूज करेंगे तो लेफ्ट में रहेगा। हालांकि इसको अपने हिसाब से लेफ्ट राइट अब तो मैं कर सकता हूं ना, लेकिन इसका भी एक मान, मतलब जो लेफ्ट में हुआ इट मीन्स नंबर। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल और ये हुआ टेक्स्ट, ये इसलिए बताता है क्योंकि अगर किसी भी नंबर पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे हम कई चीजें वी लुक करते हैं, हमें खाता होगा तो उनको फिर मुझे टेक्स्ट टू ये कन्वर्ट करना, एल के दबा के उसको करके कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर यहां पे अगर किसी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट लिख दिया तो इस पे कैलकुलेशन नहीं हो। नहीं हो, अब कुछ लोग ऐसी प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ मेजरमेंट है या कुछ ऐसा है, जैसे मेजरमेंट मान लीजिए कि 80 फीट, 60 फीट, 35 फीट, 65 फीट, यहाँ पे 74 फीट, 32 फीट,
ठीक है, अब ऐसे ना लिख दिया, अब चाहते हैं इसको इसका जोड़ निकालना, टोटल निकालना, तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि सम का फॉर्मूला भी सिर्फ नंबर को सम करेगा, नंबर विथ टेक्स्ट को सम नहीं करेगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन मुझे इसको क्या करें, तो ऐसे केसेस में मुझे दो तरीके करना। पहला कि मैं यहाँ पे 85 लिखूं, 65, देखिए यहाँ पे 65 लिखूं, 25, एंटर, तो इसके अगले कॉलम में मैं एफ टी लगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते, तो ये यहां पे नंबर है तो हम सम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं करना, मुझे यहीं पे शो करना है। कस्टम में जाके सर उसमें डबल जी कोट हाँ, उसमें लिख के आ जाएगा ना। जी हाँ, कस्टम में जाएंगे। तो यहां पे मैं एक चीज समझाना कोशिश कर रहा था कि एक्सेल के अंदर जो डेटा दो तरह का होता है, विजुअल एंड ओरिजिनल। तो यहां पे जो 85 दिख रहा है, ये 85 FT जो है ये क्या है, विजुअल। और जब इस पे डबल क्लिक करते हो जो दिखता है ये क्या है, ओरिजिनल। ओके और हमारा फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल पे वर्क करता है, विजुअल पे नहीं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू कुछ भी आप शो करते हो तो आपकी फॉर्मूले में कोई इफेक्ट नहीं होता है। फॉर्मूले में क्या नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है। नहीं हो ठीक है, बिल्कुल अब मुझे मान लीजिए डेट डालना है, क्या डालना है, डेट। डेट तो पहले चेक करें अपना सिस्टम डेट, कि मेरा सिस्टम डेट क्या है। तो मेरा सिस्टम डेट है 17/2/2014। ठीक है, 17/2/2014, मतलब कि ये हमारा DDMMYY, DDMMYY। ठीक बिल्कुल है, तो मैं डालूंगा 17/2 यार ये। ठीक है, अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट हो गया MMDYY तो 2/17 करके डालता हूं। ओके, ठीक है सर, इसका ध्यान रखिए। से क्या होगा दो स्लेट से आपने डाला मेरा जोड़ा दो जाएगा ना सर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2017 ले लिया, तो DDMMYY का फॉर्मेट मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है सर ओके, ठीक है ना। जी। यहाँ आगे बढ़ते हैं टाइम टाइप करने पे, तो अभी का टाइम टाइप करना है तो 7:30 लेगा। अब इसमें आपको AM PM का ध्यान रखना पड़ेगा, कि मैं डायरेक्ट एंट्री कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कि AM हो जाएगा, मुझे PM के लिए PM लिखना होगा, या फिर 24 आवर का मेथड आपका फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल अब इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप फॉर्मूले की। तो जनरली हम फॉर्मूले में बात कर रहे हैं डॉलर कंसेप्ट का, जैसे यहां पे हमने कुछ टाइप किया, नॉर्मली अगर टाइप करके नीचे एंट्री करते हैं तो ड्रैग करते हैं तो ड्रैग हो जाता है, लेकिन जब हम किसी सेल से रेफरेंस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ रेफरेंस किया तो क्या हो गया, अब नीचे ड्रैग करेंगे तो दिक्कत होगा। यहां देखिए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसके आगे डॉलर साइन लगा, तो पता ही होगा आपको सर। डॉलर मतलब लॉक हो गया जी
यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ डोना लगा। तो आपके सामने दिख रहा है, तो मुझे इसके ऊपर क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, तो इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया, रिजल्ट आया। और इसको आगे ड्रैग करना है, जैसे यहां ड्रैग करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गया। और ये नीचे ड्रैग कीजिए, एक एक करके ड्रैग करके चेक कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि ए ऊपर से नीचे आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है? तो यहां हमें ये जो 13 था वो 14 हुआ, सही है। लेकिन ये आपका जो 12 था डी वाला वो 13 हुआ, ये गड़बड़ है, तो मुझे 12 को फ्रीज कर देना। फिर मैंने यहां देखा कि यहां पे ये तो सही है, डी ई बना, गुड है, बट ये सी डी क्यों बना? मतलब मुझे सी के आगे डॉलर साइन लगा सकते, ठीक है? अब इसको आगे पीछे ड्रैग कर दीजिए, तो जहां प्रॉब्लम होगी ना वहां एक ड्रैग करके चेक कर लीजिए। देखिए एक बार इसको दोबारा ये जैसे मुझे क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब मैं नीचे ड्रैग करूं तो 18 फिक्स होना चाहिए और इस सबको बढ़ना चाहिए, और ऐसे मैं इधर ड्रैग करूं तो ए बढ़ना चाहिए बट ए फिक्स होना चाहिए, समझ गए? ठीक तो मैंने एक को लेफ्ट में, एक नीचे, यहां डाउन, ठीक है ठीक है, कर दिया। अब मैं चेक करूंगा कौन सा वन। तो यहां हमने देखा कि ये जो 12 था वो 13 हो गया डी कॉलम, तो यहाँ पे 12 के आगे डॉलर साइन लगा, ठीक है? ठीक है ठीक यहां देखा कि ए जो है 12 जो है, ए जो सी था वो डी हो गया, तो मतलब मुझे सी के आगे डॉलर साइन लगा देना। समझ में आया? है कि सी और डी तो फिक्स रहे और उसके जो रेफरेंस है वो चेंज होते हैं, हाँ बस नंबर चेंज होते हैं आप कह रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल से बिल्कुल समझ में आए। ठीक है। अरे समझ गए? अब बिल्कुल सर टाइम आता है, अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है फॉर्मेट क्रिएशन का। फॉर्मेट क्रिएशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम आपको एक छोटा सा काम दे रहे हैं करने का। आपको ये दिख रहा ठीक है? से बोलिए, आपको एक कैश मेमो दिख रहा है सर? जी। ये इमेज में है, इसको आपको एक्सेल पे बनाना है, साथ में एक कैलकुलेशन करके, छोटी सी चीज है, एक बार कीजिए, ठीक है?